2019 लोकसभा चुनावों में कांटे की टक्कर, 2022 विधानसभा चुनाव में मिली हार, अखिलेश यादव की इज्जत का सवाल बना मैनपुरी लोकसभा सीट का उपचुनाव। जिस मैनपुरी लोकसभा सीट पर करीब 3.25 लाख शाक्य मतदाता हों, वहां अगर बीजेपी रघुराज सिंह शाक्य जैसा मजबूत उम्मीदवार उतार दे तो जाहिर है सपा प्रत्याशी डिंपल यादव की चुनौतियां तो बढ़ ही जाएंगी। खास तौर पर मैनपुरी का हालिया रिकॉर्ड देखते हुए, जहां नेताजी की जीत का अंतर भी 2019 के लोकसभा चुनावों में घटकर 94,000 रह गया था और 2022 के विधानसभा चुनाव में तो मैनपुरी सीट पर सपा को बीजेपी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। शायद यही वजह है कि ये लड़ाई सिर्फ डिंपल बनाम रघुराज न रहकर यादव परिवार बनाम भगवा ब्रिगेड हो गई है। तभी तो भतीजे सिंह कड़वाहट को एक तरफ रख शिवपाल यादव सामने आकर मतदाताओं से बहुरानी को रिकॉर्ड वोटों से जिताने की अपील कर रहे हैं। तो ये सही है कि आप लोगों ने हमसे कहा था एक हो जाओ, तो हम तो एक हो गए। बताओ हो गए? जब हम एक हो गए हैं तब आपकी जिम्मेदारी है कि पुराना जो विधानसभा वाला रिकॉर्ड है वो आपको तोड़ना है। अखिलेश ने लगाया सारा जोर। मुलायम सिंह यादव नेताजी की कर्मभूमि से उपचुनाव लड़ रही डिंपल यादव की राह आसान करने के लिए अखिलेश यादव अब मुलायम सिंह यादव की डगर पर चल पड़े हैं। हमेशा से ही मुलायम सिंह यादव को जमीनी नेता माना जाता रहा है। उनका अचानक ही गांव और क्षेत्र में किसी भी कार्यकर्ता या आम जन के यहां पहुंच जाना लोगों को खूब भाता था। सभाओं में भी लोगों को नाम से बुलाना मुलायम का एक खास अंदाज था। इसी अंदाज से उन्होंने आजीवन मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में अजेय बढ़त बनाए रखी। उनके निधन के बाद उनकी बहू और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनाव मैदान में हैं, तो डिंपल की जीत की राह आसान बनाने के लिए अखिलेश भी मुलायम सिंह यादव की उसी डगर पर चल पड़े हैं। एक एक कार्यकर्ता और नेताओं के घर जा रहे हैं और साम दाम दंड भेद लगाकर हर वोटर को सपा की ओर जोड़ने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। यादव परिवार हुआ एकजुट। यादव परिवार ये बात अच्छी तरह से जानता है कि मैनपुरी विधानसभा सीट की तरह अगर मैनपुरी की लोकसभा सीट भी हाथ से निकल गई तो अपने ही गढ़ में समाजवादी कुनबे का बेदखल होना तय है। अब तक पार्टी के संकट मोचन रहे मुलायम सिंह यादव के न रहने पर तो ये खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। खासतौर पर आजमगढ़ सीट से धर्मेंद्र यादव की हार के बाद तो यादव परिवार के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। तभी तो आपसी मतभेद भुलाकर अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव और धर्मेंद्र यादव एक मंच पर आकर डिंपल के लिए वोट मांगते नजर आ रहे हैं। यादव ठाकुर करेंगे शाक्य वोटों की भरपाई। रघुराज सिंह शाक्य की पकड़ न सिर्फ शिवपाल यादव के करीबी लोगों के बीच है बल्कि इलाके के शाक्य मतदाताओं पर भी उनका खासा प्रभाव है। मैनपुरी लोकसभा सीट के जातीय आंकड़ों पर नजर डालें तो मैनपुरी संसदीय क्षेत्र में सर्वाधिक 4.25 लाख यादव मतदाता हैं। उसके बाद शाक्य मतदाताओं की संख्या करीब 3.25 लाख है। क्षत्रिय 2.25 लाख और ब्राह्मण वोटर करीब 1,10,000 हैं। दलित वोटों में सबसे अधिक 1,20,000 जाटव वोटर हैं। क्षेत्र में लगभग 1 लाख लोधी, 70,000 वैश्य और 55,000 मुस्लिम वोटर हैं। ऐसे में राजनीतिक पंडितों का मानना है कि शाक के वोटों की भरपाई अखिलेश यादव अपने परंपरागत मुस्लिम यादव वोटों के अलावा 2.25 लाख ठाकुर मतदाताओं को साथ लाकर भी करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब उनकी कोशिशें कितनी कामयाब होती हैं ये तो 8 दिसंबर को ही पता चल पाएगा। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और मैनपुरी चुनावों से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।